बच्चों, आज का हमारा सवाल है, एक सरल रेखा में गतिशील एक कण पर कार्यरत बल वेग v के साथ f बराबर k बटा b के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां k एक नियतांक है। समय t में इस बल द्वारा किया गया कार्य है। चार ऑप्शन दिए गए, हमें सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, f बराबर हमें कितना दिया है, k बटा v दिया है। f को हम क्या लिख सकते हैं, एम गुणा ए लिख सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, के बटा वी हो जाएगा। और एम त्वरण को क्या लिख सकते हैं, डी बी बटा डी टी बराबर कितना हो गया, के बटा वी। अब देखिए, वी को इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो वी डी वी का मान कितना हो गया हमारा, के बटा एम डी टी के बराबर हो गया। दोनों पक्षों को अगर हम समाकलन करें, टी बराबर 0 पे हमारा वस्तु का वेग हम मान लेते हैं वी वन था, और टी बराबर टी पे कितना होगा, वी टू हो जाएगा। तो इसको समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर बटा दो किसके बराबर आ जाएगा आपका, के बटा एम टी के बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का मान आ गया के बटा एम टी के बराबर, और तो वी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2 के बटा एम इंटू टी। ठीक है, ये वी का मान आ गया। अब देखिए, हम देखें वस्तु का प्रारंभिक वेग, टी बराबर 0 रखेंगे तो प्रारंभिक वेग वी वन बराबर कितना आएगा, शून्य ही आएगा। और टी का मान टी रखें तो अंतिम वेग वी टू बराबर कितना आएगा, 2 के बटा एम गुणा टी के बराबर आएगा। अब हमें पूछा है इस बल द्वारा किया गया कार्य। अब हमें पता है कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 m और वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर कितना निकाला था हमने, 2 के बटा m इंटू टी माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी, शून्य होगी। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, 1/2, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा के टी के बराबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।